स्वयं सहायता समूह में ICRP FNHW जिसको स्वास्थ्य सखी और पोषण सखी कहते हैं, इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों उनके ग्राम संगठनों के साथ खाद्य पोषण स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर समूह की महिलाओं उनके घर के अन्य सदस्यों को जागरूक करने व्यवहार में परिवर्तन कराने हेतु ICRP FNHW के लिए यहाँ पर नियुक्ति के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जो भी फॉर्म भरे गए थे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तो ICRP FNHW का फुल फॉर्म होता है F से फूड, N से न्यूट्रिशन, H से हेल्थ, W से वॉश। तो यहां पर FNHW की नियुक्ति ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार SBCC अप्रोच के माध्यम से खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर समूह की महिलाओं का व्यवहार परिवर्तित किया जाने के लिए नियुक्ति की जा रही है। मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो FNHW के पद पर नियुक्त होंगी वो पोषण स्वास्थ्य के विषयों पर जागरूक करने का क्या क्या कार्य करेंगी, यहाँ पर दीदी देखिएगा। 0 से 6 माह के नवजात शिशु के लिए स्तनपान के लिए जागरूक करना है, 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक आहार के लिए जागरूक करना है, मातृ पोषण यानी कि जो माता है गर्भवती स्त्रियां हैं उनके खान पान पोषण को लेकर जागरूक करना है, जन्म के प्रथम 1000 दिनों के महत्व के बारे में समझाना है। इसके अलावा कुछ और भी कार्य स्वास्थ्य के विषय पर भी करेंगी FNHW स्वास्थ्य सखी, वो हैं संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें जो है जागरूक करना है, नियमित टीकाकरण गर्भवती महिला हो बच्चे हो सभी का, हाथ धोने के बारे में जागरूक करना है और मासिक धर्म और स्वच्छता संबंधी प्रबंधन के बारे में जागरूक करना है समूह की दीदियों को और गांव की महिलाओं को। तो इन्हीं कार्यों को करने के लिए और लोगों को महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य सखी FNHW पोषण सखी की नियुक्ति ग्राम पंचायतों में समूह के अंदर से महिलाओं को लेकर की जा रही है। तो इसकी जो है ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बहुत दीदी का क्वेश्चन है कि हमने FNHW का फॉर्म भरा था और 3-4 महीने हो गए हैं लेकिन ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई। तो दीदी हर काम में थोड़ा समय लगता है, आपने फॉर्म भरा सिलेक्ट हुए और वो ऊपर तक गए तो अब उसकी सूची बनेगी, फिर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक में सूची भेजी जाएगी तो वहाँ से आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग RCET पर भी होती है, इसके अलावा जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग लगी होगी आपको कॉल करके बताया जाएगा। तो FNHW की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और इसमें जिन दीदियों ने आवेदन किया था वो लोग अपने ब्लॉक से संपर्क करके जान लें कि उनकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी। तो आप लोग जागरूक रहेंगी तो ट्रेनिंग छूटने नहीं पाएगी और आप ट्रेनिंग कर पाएंगी। अब दीदी हम आपको बताएंगे कि FNHW को ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है और वो क्या क्या काम अपने ग्राम पंचायतों में आकर करेगी। जैसे कि आप सभी जानती हैं, मैंने आपको बताया कि FNHW स्वास्थ्य सखी या पोषण सखी ये भोजन और न्यूट्रिशन यानी कि पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करेगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं F संबंधी कार्य। F संबंधी मतलब भोजन से संबंधित कार्य उसके क्या रहेंगे ग्राम पंचायत पर। तो जैसे कि गर्भवती स्त्रियाँ हैं, बालिकाएँ हैं और जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से लेकर के 6 माह तक के बच्चों को क्या भोजन कराना चाहिए, कैसे उनका पालन पोषण करना चाहिए, इसको लेकर के वो जागरूक करेगी। गर्भवती महिलाओं को क्या भोजन लेना चाहिए इसको जागरूक करेगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे 0 से 6 माह तक के बच्चे हैं तो उनके लिए माता का स्तनपान कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के साथ जो है सब्जियों में, फलों में, दालों में क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, कौन कौन सी सब्जियां, फल, दालें खानी चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कितने रंग के भोजन करने चाहिए, बच्चों को कितने रंग के भोजन देने चाहिए, इस पर जागरूक करती है। तो यहाँ पर आप समझ सकती हैं कि भोजन जो है, आहार जो है, उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, लवण मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने भोजन में किस मौसम में किस तरह का भोजन करना चाहिए और किस मौसम में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, ये जागरूक करने का काम FNHW का रहेगा। जब शिशु 6 महीने का हो जाएगा तो रोज़ाना उसे 2 से 3 कटोरी खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, हरी सब्जियां इत्यादि खिलाना है, इसके लिए भी FNHW जागरूक करने का कार्य करेंगी। इसके अलावा
बच्चे के लिए, शिशु के लिए पोषण का पूरा जो यहाँ पर समझाया गया है, 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं और 6 माह के बाद बच्चे को क्या क्या खिलाना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा बनाकर बताया गया है कि जन्म से 6 माह की आयु तक शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाएं, पानी भी नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी जो है महिलाएँ देती हैं फिलहाल यहाँ पर जो भी लिखा है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है माँ का दूध 6 माह की आयु तक शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। 6 माह के बाद हर घर पोषण त्यौहार मनाया जाता है, मतलब ये जागरूक करने के लिए करते हैं। उसके बाद शिशु को बार बार दूध पिलाएं दिन और रात दोनों समय। बीमार शिशु को अधिक स्तनपान ना कराएं। माँ के दूध में शिशु के विकास के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। तो ये है 6 माह तक के शिशु के बच्चे का भोजन आहार जो भी है। तो माँ का दूध ही 6 माह तक के बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद 6 माह के बाद बच्चे को भोजन देना शुरू कर देना चाहिए, जो कि मैंने शुरू में आपको बता दिया है। तो शरीर के लिए पोषक एवं पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। बात करेंगे कि इन न्यूट्रिशियन, जिसको कहते हैं पोषण, एफ तो भोजन मैंने आपको समझा दिया, अब न्यूट्रिशियन जैसे कि पोषण, तो अगर पोषण की कमी दूर करनी है तो घरेलू उपाय भी समझाती है, केला है, दूध है, दाल है, राजमा है, अन्य फलियां हैं, सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में समझाएगी कि पोषण की कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं। वही है यहाँ पर किशोरियों के लिए कि किशोरियों के लिए पोषण की पूरी व्यवस्था आपको किस प्रकार से खान पान की रखनी है, हर किस तरह का भोजन हमें अपनी बेटियों को देना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती हुई उम्र होती है तो उनका खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। इसके बाद होता है FNHW का जो फुल फॉर्म, एफ बता दिया, एन बता दिया, एच से होता है हेल्थ, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जो है कार्यों को करने के लिए समझाती है, कैसे आपको जागरूक रहना है। हाथ धोने के बारे में बताती है कि हाथ आपको किस किस स्टेप से धोना चाहिए, ये जानकारी भी FNHW ही सिखाती है। तो आप स्वस्थ तभी रहेंगे जब स्वच्छ रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपका पैसा दवाई में अधिक खर्च नहीं होगा, से आपका पैसा बचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए जागरूक करने के लिए कार्य करती है। और मासिक धर्म में किस प्रकार से महिलाओं को स्वच्छता रखनी चाहिए, इसके लिए महिलाओं को, किशोरियों को जागरूक करने का कार्य करती है, किस प्रकार से उन्हें इस समय अपने आप को स्वच्छ रखना है और क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, ऐसे समय में उन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी किशोरियाँ हैं, महिलाएँ हैं, जो मासिक धर्म के समय भी ऐसे भोजन करती हैं जो कि उन्हें नहीं खाने चाहिए। तो ये सब जागरूक करने का काम जो है वो स्वास्थ्य सखी, पोषण सखी, यानी कि FNHW का ही है। तो अब आपकी समझ आ गया होगा कि FNHW गांव में क्यों रखी जा रही है। तो ये सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी विद चार्ट, फोटो, बुक्स के साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ट्रेनिंग में आपको किट दी जाएगी, एक बुक दी जाएगी, बुकलेट दी जाएगी, और आपको उसमें जो है गांव-गांव में समूहों में जाकर के ट्रेनिंग देने का कार्य करना है। तो जब आप समूहों में जाएंगी तो आपके पास एक बुकलेट होगी, उसको आप दिखा के और उसमें से पढ़कर बता सकती हैं, समझा सकती हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर फोटो में देख रही हैं, दीदी जो है वो आई कार्ड पहने हैं लाल रंग की साड़ी में, ये जो हैं स्वास्थ्य सखी FNHW हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा स्पष्ट। इस तरह से आप लोग समूहों में जा कर के दीदियों को जागरूक करती हैं, गाँव में जा कर के समूह की दीदियों को। और इसी के साथ में जब टीकाकरण होता है तो जैसे गाँव में बूथ लगते हैं, टीका लगते हैं, तो वहाँ पर भी जाने का काम और घर घर बताने का काम जो है FNHW का रहता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।